ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। हाथों में जो सारी की सारी रुकावटें थी उनको हटाने का सिलसिला भी जारी है, साथ मलबा हटाने का सिलसिला भी जारी है और ये ग्रैंड ऑपरेशन है। इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन बन चुका है, बड़े पैमाने पे ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है और इसको स्टेप वाइज करने का फैसला किया गया है एसी कैंट की जानिब से। और ये फैसला इसलिए किया गया है कि ताके साथ साथ मलबा हटाया जाए और सबसे बड़ी प्रायोरिटी अदालत के हुक्म के बाद, अली अकबर कुरैशी साहब के हुक्म के बाद उन्होंने रिटर्न दिया लिख के कि आप कब्रों की जो उसकी इज्जत है, उसकी नामूस है, उसका तकद्दस है, उसको बहाल रखेंगे और काम करते हुए भी कदमे जो आपके पैर हैं वो कब्रों पे ना पड़े और इतनी एहतियात से काम करें। और एसी साहब हमने देखा, अब्दुल्ला मलिक साहब देखा हमने, इशफाक साहब मजदूरों को बकायदा डायरेक्शंस दे रहे थे कि कब्रों की जो तकद्दस है उसकी पामाली ना हो, किसी भी लेवल पर उसका तकद्दस का ख्याल रखा जाए और किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। ये काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ गरीब बंदे के लिए किया जा रहा है। वो बंदा जो मैयत उठाकर मियां मीर कब्रिस्तान आता था उसे जवाब दे दिया जाता था कि यहाँ आपको नहीं मिल सकती, औने पौने पैसे देकर भारी भरकम रकूम देकर फिर ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता था, लेकिन एक डेड लॉक रहता था। लेकिन कब्रों के तकद्दस के साथ साथ हाथे मसमार करने का ये ग्रैंड ऑपरेशन इस वक्त जारी है जो आप देख रहे हैं। और प्रोग्राम तमाशा की जानिब से इस इशू को हाईलाइट जब किया गया तो पता चला कि ये 120 हाथे हैं और काफ़ी जगह है। इंतजामिया ने जब पहले कैलकुलेट किया था तो वो शायद कम जगह थी, लेकिन 50 तक हाथे निकले थे, लेकिन उसके बाद सूरत हाल बदली। अब्दुल्ला मलिक साहब, इशफाक साहब, मैं दो चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, औकाफ डिपार्टमेंट को बिलियन ऑफ रुपीज़ हर साल लोग उसमें चंदा डालते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? हम जनाब अली अकबर कुरैशी साहब से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब उसका ऑडिट होना चाहिए, कहाँ खर्च हुआ। अगर मुखैर हजरात नहीं सब कुछ करना है तो फिर इन इदारों की क्या जरूरत है? एक और मैं बात आपको कहूँ, बड़ी अहम बात। देखें, इन्होंने शहर खामोशा बनाए, अगर शहर खामोशा बन रहे थे तो क्या उन्होंने पहले जो कब्रिस्तान मौजूद हैं उस पर कोई तहकीकात की थी, रिसर्च की थी कि वहाँ कितनी कैपेसिटी है, कौन लोग काबिज हैं? आपने बिलियन ऑफ रुपीज़ मुख्तलिफ शहरों में, जैसे लाहौर में शहर खामोशा बना दिया, अब उस अथॉरिटी को चलाने वाला ही कोई नहीं है। अब जो बच्चे वहाँ पर मुलाजमत करते हैं वो जॉबों के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इशफाक से कल कुछ लोग दरख्वास्त लेकर मिले हैं कि तीन तीन महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। भाई, अगर आपने ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जिसे बाद में मीडिया ने हाईलाइट करना है, उनको दाद रसी करनी है अली अकबर कुरैशी साहब ने, तो खुदा के लिए ऐसे काम ना करें। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं भी एक हथौड़ा लगाऊं नाइंसाफी के खिलाफ, इंसाफ, एक इंसाफ का छोटा सा पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशाए जर हो तो वो हाथ आता है। जितने मयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने अफकार हैं इस दौर के अलामत है सब पत्थर हैं। हम इस निजाम को ऐसे उखाड़ फेंकेंगे जैसे ये मैं इसको उखाड़ रहा हूँ, ताकि आइंदा के लिए ना तो कोई गरीब के साथ नाइंसाफी कर सके। यही तो बात थी, जो गरीब आज इस शहर का, लाहौर का गरीब शहरी था उसको मरने का हक भी नहीं था। यही सतमजरीफी थी, यही आप उसकी आवाज बने, ये दर्द की आवाज बने, उस बेकस की आवाज बने, बेसहारा की आप आवाज बने। इसलिए हम आपको कहते हैं कि तमाशा प्रोग्राम जिंदाबाद। कब्र में खड़े होकर जिंदाबाद तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर जो लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, जो अपने प्यारे जान दफनाएंगे, जिन्हें एक मट्टी, इस मुल्क के क्या आम शहरी को मट्टी भी नसीब नहीं थी यार? ये जो हाथे बसमार हो, गरीब बेचारा बार बार कहता था और ढोलियां बुलाता था कि मेरे पास कफन के पैसे नहीं है। आपने तो 150 बंदों का कफन के अरेंजमेंट आके मियानी साहब में रखा हुआ है। और तमाशा प्रोग्राम की फसादत, हम आपसे कहते हैं अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए हो 1000 रुपए के, अगर नहीं भी दे सकते हम प्रोवाइड करेंगे। 200-250 हमारे आने वाले जो अल्लाह को जवार रहमान में जगह दे, आप प्रोवाइड नहीं कर सकते वो भी आपके लिए मौजूद हैं। अब ये सारा काम आपकी वजह से हुआ है। इस मुल्क में, इस शहर में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो नेकी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा ईमानदार शख्स नहीं मिलता किसके हाथ पे वो अपना कीमती पैसा रखे। लेकिन अब ये देखें कि ये जो हाथे मसमार हो रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर जो जगह क्लियर होगी, यानी आप ये कह सकते हैं कि 100 से 150 अफराद की तदफीन बआसानी यहाँ पर हो सकेगी। और ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े लोगों के वो आएँ तो अपने प्यारों को यहाँ पर तदफीन करें, आम लोगों की तदफीन यहीं पर से शुरू की जाएगी। और जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब के यहाँ गरीब आदमी को तो मिलते नहीं है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो अमीर लोग हैं ना, जो पैसा लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, उनको यहाँ जगह मिलती है। बहुत अच्छा हो रहा है। आप किसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो रहा है जो ये काम। वही बात आ गई। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अब लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म आ चुका हुआ है,
अब इन हाथों की मसमारी के बाद यहाँ पर जगह क्लियर होगी तो फिर आप अपने प्यारों की तदफीन किसी भी इसी जगह से करेंगे जहाँ पर बड़े बड़े लोगों की तदफीन हुई हुई है। कोई अगर रोके तो लाहौर हाईकोर्ट आपके पास मौजूद है, ऐसी सब मौजूद है, आप आके इनको बता सकते हैं। कोई इजाफी पैसे चार्ज करे, दोबारा हाथे बनाने की कोशिश करे, फिर भी आप ऐसी सबको बता सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट रेज किया था फहद साहब के, पिछले दिनों में जब मियानी साहब मैंने विजिट किया तो मैंने वैसे ही जाके गोरकन से पूछा कि यार अगर मैंने दोबारा हाथा बनाना तो क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था जज साहब के रिटायर होने का इंतजार करें। उन्होंने कहा था कि जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनवरी में रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद आपको हाथा यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसके बाद अदालत में ये जब पॉइंट सामने आया तो फिर अदालत ने एक हुक्म पास किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जो भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएं उनकी तदफीन बड़े बड़े बासर अफराद के हाथों में की जाए। ऐसा नहीं होगा कि तदफीन अलग हो जाए और बासर अफराद के हाथे खाली पड़े रहें और फिर दोबारा से वो कब्जा कर लें। तो अब वही हुक्म यहीं पर भी लागू होगा कि ये जो हमने देखा यहाँ पर रिटायर्ड जो ब्रिगेडियर थे, सियासतदान थे, अब कोई भी गरीब उनका अगर प्यारा यहाँ से दुनिया से रुखसत होता है तो उनकी तदफीन यहीं से शुरू होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले जाके मियां मीर वाले दूसरे खाली जगह पूर करें, पहले यहाँ से होगी। ये अदालत ने हुक्म जारी कर दिया और इसके साथ साथ वहाँ पर जो मकामी लोग थे मियानी साहब के, उन्होंने ये मुतालबा किया था कि मियानी साहब का जो 15-15 साल पुराना स्टाफ है उसको वहाँ से मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए, क्योंकि वो स्टाफ माफिया के साथ मिला हुआ है, वो स्टाफ इंतजामिया के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से दोबारा वहाँ पर हाथे भी बन सकते हैं, दोबारा वहाँ पर जगहों पर कब्जे हो सकते हैं। तो ये मामला अदालत में उठाया गया था और इसके साथ साथ अदालत को ये भी बताया गया था कि अगर ये स्टाफ तब्दील ना हुआ तो इतनी ज़्यादा जो मेहनत की गई, 100 कनाल राजी वागजर करवाई गई, वो सारा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये माफिया बहुत मजबूत है, बहुत बासर है और इनके पीछे बड़े बड़े लोग मुलविस हैं। तो अदालत उस मामले पर अभी हुक्म जारी करेगी, अभी उनको ओहदों से हटाने का फैसला ताहल नहीं हुआ। अलबत्ता मियां मीर कब्रिस्तान आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हाथों की मसमारी हो रही है, तकरीबन 15 रोज के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा और उसके बाद इस एक नक्शा बनेगा कि तरतीब के साथ के बाअसर अफराद के जो खाते हैं वहाँ से तदफीन शुरू की जाएगी और कितनी कितनी कब्रें वहाँ और बनेंगी। एसी साहब इस हवाले से वादे बता सकते हैं। जी एसी साहब जी, बिल्कुल जैसा कि बता रहे थे, चूँकि गवर्नमेंट का, अदालत का और ये मैं मीडिया का भी मशहूर हूँ, आपने हाईलाइट किया, इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी है। हमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने और कमिश्नर लाहौर की तरफ से भी ये गाइडेंस है, सेक्रेटरी औकाफ से भी उन्होंने बात की है इस मामले पे। तो ये मतलब जो फ़र्क था, तफावत थी, जो डिस्पेरिटी थी बिटवीन रिच एंड पुअर, ये बुनियादी तौर पे ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि जो भी मैयत लाई जाएगी उसकी तदफीन जो है वो जो बासर अफराद हैं उनके हाथे के अंदर हो सकेगी। तो इसमें बिल्कुल है, मैं ये इशू रेज करने के हवाले से प्रोग्राम तमाशा और उसकी टीम को भी मैं समझता हूँ वो भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये हाईलाइट किया है और हमारी तवज्जो भी इस तरफ मबजूल करवाई है। इंशाल्लाह मैं इंतज़ामिया की तरफ से ये श्योरिटी देता हूँ कि आइंदा ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए हम कमेटी तश्कील देंगे, ताकि इस पर मज़ीद जो है वो किसी किस्म की दोबारा इंक्रोचमेंट का सिलसिला ना हो। हम पूरी विजिलेंस कैम रखेंगे और इस हवाले से जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह उससे हम आपको आगाह भी रखेंगे। इशफाक ने बड़े अहम पॉइंट की तरफ, कानूनी पॉइंट की तरफ जो आने वाले दिनों में पेश आ सकते हैं पॉइंट उठाए हैं। हम यकीनन अली अकबर कुरैशी साहब से, जस्टिस अली कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह उन्होंने मियानी साहब में नई एक कमेटी तश्कील दिलवाई है, तो ऐसे कब्रिस्तानों में ऐसे लोगों की कमेटी तश्कील दिलाएंगे जिनका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। यकीन जानिए आज लाहौर प्रोग्राम का, लाहौर न्यूज़ का प्रोग्राम तमाशा गरीब आदमी की, आम आदमी की, उस बंदे की जिसका कोई वली वारिस नहीं था, बेकस का अब सहारा बने। अब इंतजामिया का भी फर्ज बनता है, जैसे मेरे भाई ने कहा इसी साहब ने, कि वो भी एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म का रखवाला कौन है? इस मैकेनिज्म का रखवाला वो आम आदमी है, वो गरीब आदमी है जिसके लिए सब कुछ ये हो रहा है। तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि अब ये चीज़ें जो जगह वगुजार हो गई हैं, अगर उसको किसी से शिकायत है, वो देखता है तो अपना फर्ज निभाए, एसी साहब को बता दे। अगर कहीं भी नहीं जाता तो इशफाक अवेलेबल हैं, आप
आपके दुनिया न्यूज़ का गेट अवेलेबल है, वहाँ आ जाए, अदालत अवेलेबल है, तो हम ये समझते हैं कि हमने तो अपना फ़र्ज अदा कर दिया, हमने अपनी आखिरत सवार उसकी संवारने की कोशिश की, अब बाकी लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपना हक अदा कर चलें। और ये पे बैक का टाइम है, पाकिस्तान को जिस तरह लूटा गया, अब लोगों ने कब्रिस्तान भी नहीं छोड़े, आपने कहाँ कहाँ आप नहीं गए क्वैकर के खिलाफ। हाता मलकियत बनाम ख्वाजा दाऊद, चार कब्रों का हाथा उन्होंने लिखा, उकाब से मंदूर से जरा आगे आगे आप देखिए, ये बोर्ड दिखाते हैं, ये बड़ा अहम बोर्ड है, ये आप दिखाएं कि जो कहते थे कि हमें नहीं पता कि किसने ये हाथे दिए और ये लिखा हुआ है, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं हाथा मलकियत जी बनाम ख्वाजा दाऊद अहमद बल्दियत ख्वाजा अब्दुस्सतार, चार कब्रों का हाथा महकमा उकाब से मंजूर शुदा, जिसकी कीमत महकमा उकाफ को अदा की गई, ये देख सकते हैं आप, कीमत जो है महकमा उकाफ को कीमत भी अदा की गई, और उकाफ ये कह रहा है, उकाफ ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि किसने हाथे दिए, पैसे वसूली का उसने लिखा हुआ है कि उसके पैसे भी महकमा उकाफ ने वसूल किए, तो ये एक महकमा उकाफ की गलत बयानी सामने आ गई, जो वो इल्ज़ाम लगाते थे कि ज़िली गवर्नमेंट ने ये हाथे दिए हैं, इसी ने दिए हैं, तो आज ये उसका एक वादे सबूत है कि वहाँ पर जिन लोगों ने ये बोर्ड उस गैर लाकानूनीत का मुंह चढ़ा रहा है, और सबूत है कि वाकई ही महकमे नहल हैं, महकमे करप्ट हैं, आज के हथौड़े जो हैं उन्होंने इस बोर्ड का मुँह चढ़ाया, और जनाब अली अकबर कुरैशी साहब ने इस तरह के जितने भी बोर्ड थे उनको इखाड़ फेंकवाने में बड़ा तारीखी रोल प्ले किया है, जिससे गरीब बंदे को उसका राइट मिला और अब बासर लोगों के हाथों में तदफीन हो सकेगी, आम लोगों की, उन लोगों की जो डिज़र्विंग हैं, जिनके लवाहिकीन, जिनके प्यारे उनको छोड़कर चले गए हैं। तो इस तरह के बोर्ड जो इशफाक साहब अभी दिखा रहे थे, जो हमने आपको दिखाया, ये सारे बोर्ड अब मतरूक हो गए हैं, एबॉलिश्ड, खत्म हो गए हैं, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, एक ही साहब में खड़े हो गए महमूद आजाद। आज वाकई अदालत के फैसले ने ये साबित किया कि अगर इंसाफ, वाकई इंसाफ के पैरामीटर पे पूरा उतरता हो और हमारे जजेस खौफ खुदा रखते हों, मेरा ख्याल है कि मैं अपने मोहतरम मोजर जज साहबान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उन्हें ऐसे कामों में, फलाही कामों में, मुफादा आमा के कामों में, आम लोगों के लिए, हकूक राइट्स के लिए अली अकबर कुरैशी साहब जैसे शख्स को फॉलो करना चाहिए, यही हमारी मंजिल है, यही हमारे उस ओथ का तकाजा है जो उस आइन के तहत हमने ये एज ए जज ओथ उठाया होता है। हम कोई तनकीद नहीं कर रहे, हम अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास कर रहे हैं, हम आपकी जिम्मेदारियों का भी एहसास कर रहे हैं, हम उनको भी एहसास जिम्मेदारी करवा रहे हैं कि जब कानून में बड़ी ताकत होती है, कानून सब लाकानूनियत को रोन देता है, जब हम कहते हैं कि कानून अंधा होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी आंखें नहीं, उसका मतलब ये होता है कि वो रुथलेसली एक्शन करता है, अमीर हो गरीब हो। आज ये जो फ़र्क था, हमने कोशिश की है कि हम उसको मिटाएं, इक्वालिटी पैदा करें और अपना अपना किरदार अदा कर दें। दोस्तों साथियों, मैंने तो अपना किरदार अदा कर दिया, क्या आपने अपना किरदार अदा किया, ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ते हैं। जी इशफाक साहब, देखिए मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ा फैसला था जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब का, और उसके बाद अमल दरामद भी शुरू हो चुका है, हाथे भी मसमार किए जा रहे हैं, लेकिन इस हुक्म को मुस्तकिल रखने के लिए, इस पर मुस्तकिल अमल दरामद करवाने के लिए हर कब्रस्तान में एक अमल दरामद कमेटी होनी चाहिए जो मुस्तकिल तौर पर उसकी निगरानी करे, और उसकी उसका जो चेयरमैन है कमेटी का वो मुतलका एसी को होना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पर कोई दोबारा इंक्रोचमेंट हो, गैर कानूनी हाथा बनाए, तो उसकी जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर पर आयद होनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको मैनी साहब का जिक्र किया कि वहाँ पर तो ये बातें शुरू हो रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही जो लशारी हाथे हैं, जो वहाँ पर बासर अफराद के हाथे हैं, वो फिर से बहाल हो जाएंगे। तो अगर एक अमल दरामद कमेटी मौजूद होगी और उसमें वकला मौजूद होंगे, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद होंगे, तो फिर दोबारा उन पर कब्जा नहीं हो सकेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मियानी साहब, मियाँ मीर कब्रस्तान, जितने भी इस तरह के कब्रस्तान हैं, वहाँ से पुराने स्टाफ को रिमूव किया जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए, नया स्टाफ, नए गौरकन, नई कमेटियाँ बनाई जाएँ, ताकि जो बासर अफराद हैं वो दोबारा कब्रस्तानों की अराजी पर कब्जा करने की कोशिश तो दूर सोचें भी ना। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर यकीनन जजों की रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है, और फिर आप देखेंगे वैसे का वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। कानून जो है वो सबके लिए बराबर भी होना चाहिए, और दूसरा जो गरीब बंदा है उसका राइट, कोई भी कब्ज़ा माफिया अगर मजरू करे तो उसको आहनी हाथों से जो है वो रोका भी जाए और उसको कानून को इंप्लीमेंट भी किया जाए। शॉर्ट ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए।